साथियों नमस्कार। आज के इस परिचर्चा में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर असलम कुमारामो सर, डॉक्टर अरविंद सर और दिनेश सहनी जी। मैं हूं सियोमराज। आज अभी आपको डॉक्टर अरविंद सर के द्वारा हम लोग बवासीर संबंधित प्रॉब्लम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को बवासीर संबंधित पाइल्स की प्रॉब्लम होती है तो उसको उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट IMC के द्वारा बनाया गया, इस पर कुछ चर्चा हमारे दर्शकों को बताया जाए। बवासीर जो समस्या है उसमें मेन उसका जड़ होता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत। भोजन का पाचन ठीक से जब नहीं होता है शरीर के अंदर, है ना, डाइजेस्ट लीजिए, है ना, तो क्या होता है कि वो भोजन पड़ा पड़ा सड़ता है, उसका निष्कासन ठीक ढंग से नहीं होता है और पेट में गैस, कब्ज ये सब जो है कि बनता है, एसिडिटी भी बनती है, निकार वगैरह भी आता है और इससे क्या होता है कि मल द्वार में जख्म बनना शुरू हो जाता है, उसमें मस्सा बन जाता है, समझे कि नहीं। तो उसको जो है कि बवासीर के जो पेशेंट हैं तो उसमें दो तरह का बवासीर देखने को अक्सर मिलता है, एक खूनी बवासीर और एक बादी बवासीर। बादी में ब्लड नहीं गिरता है लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है, परेशान कर देता है, लहर, जलन, मल द्वार में ये सब जो है कि उसका लक्षण होता है, ये सब देते हुए रहता है। तो ऐसे पेशेंट को हम IMC के द्वारा जो ठीक किए हैं उसमें हमने क्या किया है कि ये जो आप देख रहे हैं एलो संजीवनी, ये एलो संजीवनी वास्तव में संजीवनी के समान ही जबरदस्त। ये पेट संबंधी किसी भी बीमारी में, जो पेट संबंधी बीमारी उसमें जबरदस्त काम करता है और हम ये एलो संजीवनी ले लेते हैं, फिर एलोवेरा का जूस ले लेते हैं, श्री तुलसी को भी ले लेते हैं। यस, ये तो हमारा नाम हो चाहे बादी हो, ये तो हम छोड़ते नहीं, हर एक बीमारी में इसको ले लेते हैं जी। इसको क्या करते हैं, 250 ml गर्म पानी में 30 ml इसको मिलाते हैं, यानी एलोवेरा को 30 ml संजीवनी को मिलाते हैं और 5 बूंद श्री तुलसी को मिलाते हैं और इसी के साथ, है ना, सुबह में खाली पेट में ही, हमारा जो तरीका है सो हम बता रहे हैं और लोगों का जो तरीका है उन लोगों का अपना अलग अलग है। तो हम 5 सवे टैबलेट में से 1 टैबलेट ले लेते हैं और ये सब को इकट्ठे एक साथ में धीरे 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 करके पिलवाते हैं। उसके बाद में पेशेंट को बोलते हैं कि ठीक है, आप गर्म पानी जो है इसके बाद जितना लेना है सुसुम पानी आप लीजिए। इसके सर आप बता रहे हैं कि यदि दो तरह की बवासीर हो, खूनी हो या बादी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पेशेंट्स को एलोवेरा में से 30 ml लेना है, साथ ही संजीवनी में से भी 30 ml लेना है और श्री तुलसी की 5 बूंद गर्म पानी में लेना है और उसको फूक फूक कर इसके साथ एक टैबलेट पाइल सवे टैबलेट या करीब से दिखा दे, बवासीर के लिए पाइल सवे टैबलेट बना हुआ, इस टैबलेट को ले लेना है और उस पानी को पी जाना है। उसके बाद भी आप पानी पी सकते हैं, उसके बाद भी पानी पीजिएगा क्योंकि एलोवेरा पी रहे हैं तो पानी। हाँ, एलोवेरा में फाइबर अधिक मात्रा में होता है और फाइबर को पचाने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता है। आप 1/2 लीटर पीजिए, 1 लीटर पीजिए, उसके बाद जो आपकी क्षमता हो धीरे 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 करके पीजिए, ये नहीं जो एक बार में ही पूरा पीजिए, धीरे धीरे करके पीजिए, है ना, तो इसको लेना है। फिर शाम को भी ऐसे ही लेना है, सुबह शाम इसको ले लेना है। क्रीम को सुबह में लैट्रिन जब क्लियर हो जाता है उसके बाद में आप इसको लगाइए, क्रीम को भी सुबह में लगाइए, रात को सोते समय लगाइए, 2 टाइम क्रीम को अप्लाई कीजिए। यानी कि सर आप कहना चाहते हैं कोई व्यक्ति नहा धोकर के तैयार हो जाए, कहीं निकलना है या फिर घर में ही रहना है, उसके बाद क्रीम को लगाइए क्योंकि दिन भर आपका क्रीम उसको सेट करेगा और रात को सोने के बाद क्रीम को लगाइए। और ये डाइजेस्ट है चूंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है जी, है ना। अगर भोजन का पाचन सही ढंग से होगा तो उसका निष्कासन भी सही ढंग से होगा, है ना, सही बात सर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए ये एलो डाइजेस्ट जरूरी है, इसको 1 या 2 टाइम ले सकते हैं लेकिन इसको खाना खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट में इसको नहीं लेना है। बहुत बढ़िया, बहुत जानकारी। खाना खाने के आधा से 1 घंटा बाद आप सुसुम पानी में 1 गिलास सुसुम पानी में यानी 100 ml या 150 ml पानी में 5 बूंद दवा को मिलाइए, सुबह शाम इसको लीजिए, धीरे धीरे करके पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। रात को सोते समय आपको ये फ्रेश मॉर्निंग ले लेते हैं, थोड़ा करीब से दिखा दो टैबलेट, बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग, दो टैबलेट फ्रेश मॉर्निंग का आपको सोते समय लेना है
एक काम करना है मेरे विचार से, उस समय में ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक ढक्कन एलोवेरा ले लेंगे रात के समय खाना पीना खाने के बाद। एलोवेरा सर कहने का मतलब है आपका कि सुबह में खाली पेट लेना है और रात को खाना खाने के आधा घंटा बाद लीजिए। बिल्कुल है ना, आधा घंटा बाद एलोवेरा को जो है कि गर्म पानी में मिलाइए, उसमें श्री तुलसी 5 बूंद मिला दीजिए और 2 टैबलेट फ्रेश मॉर्निंग का ले लीजिए, इसके साथ एक साथ ले लीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे पानी पीजिए, है ना, पानी पीना है। पानी नहीं पीजिएगा तो पेट में कब्ज, गैस, ये सब जो है कि ये पैदा कर सकता है, चूंकि इसमें फाइबर बहुत होता है। तो इसके लिए आपको इसको फाइबर को गलाने के लिए आपको पानी लेना है। पानी लीजिएगा तो एलोवेरा का जो रोल होगा, फ्रेश मॉर्निंग का जो रोल होगा, वो रात भर आपका जो है कि इंजन आराम करेगा और उसमें जो भी कचरा फचरा होगा सबको एक जगह इकट्ठा करके मल द्वार के पास में ले आएगा। सवेरे आपका लैट्रिन जब क्लियर हो जाएगा, कब्ज जब आपके पेट का दूर हो जाएगा, बवासीर ऐसे ही भाग जाएगा। वाकई बहुत बेहतरीन सर जानकारी सर आपने दिया कि एलोवेरा को यदि भगाना है, सॉरी बवासीर को यदि भगाना है तो एलोवेरा के साथ एलो संजीवनी, फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट, पाइलसबे टैबलेट, श्री तुलसी, एलो डाइजेस्ट और पाइलसबे क्रीम। ज्यादा ब्लडिंग की स्थिति है तो स्पाइरुलिना इसके साथ में जरूरी, क्योंकि वीकनेस को दूर करेगा, सेल्स की मरम्मत करेगा और ब्लड को स्टॉप करेगा, ऑक्सीजन को बढ़ाएगा शरीर में, एंटीऑक्सीडेंट तत्व है वो स्पाइरुलिना। एगो सुबह एगो शाम लीजिए। अमोजी दर्शकों को एक बार रिपीट करके बताइए कि सर ने क्या क्या बताया, पहला प्रोडक्ट कैसे तो लेना है हमारे दर्शकों को। एट फर्स्ट मॉर्निंग आप खाली पेट जब भी होते हैं एलोवेरा का 30 ml, साथ में एलो संजीवनी 30 ml, 5 बूंद श्री तुलसी के साथ आप एलो पाइल्स अवे टैबलेट उसी समय लें। बिल्कुल। और पानी की मात्रा आप बाद में भी ले सकते हैं। पानी की मात्रा आप बाद में ले सकते हैं, उसके बाद आप जब भी फ्रेश होकर आते हैं बाथरूम से तो आप पाइल्स अवे क्रीम का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। उसके बाद जब भी खाना खा लेते हैं तो एलो डाइजेस्ट की 5 से 7 बूंद प्रत्येक ग्लास गुनगुने पानी के साथ आप निश्चित रूप से लें। और यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है शाम में, खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद गुनगुने पानी में एलोवेरा की 30 ml, संजीवनी की 30 ml और साथ में 5 बूंद श्री तुलसी के साथ रात में आपको 2 फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट्स लेना है। तो बहुत ही सुंदर जानकारी अभी हम लोग के बीच डॉक्टर अरविंद सर दे रहे थे। असल से इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसी लगी जानकारी है? बहुत अच्छा लगा। तो इस जानकारी को अपने दर्शकों के बीच शेयर करेंगे। साथियों आज ये परिचर्चा कुमार आमोद हर्बल हेल्थ केयर, कुमार हर्बल हेल्थ केयर चक्की ढाब मीनापुर ब्लॉक से सटे कोयली भरा पंचायत में ये के बगल में अवस्थित है, जहाँ पर उपस्थित है हमारे डॉक्टर रविंद्र सर के द्वारा बहुत सुंदर जानकारी दी गई। ये जानकारी कैसी लगी? हमारे YouTube चैनल शिवम राज हेल्दी लाइफ एंड आमोद जी के YouTube चैनल कुमार आमोद हेल्दी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी जानकारी अधूरी रह गई हो या अगला कौन से प्रोडक्ट का वीडियो चाहिए, किस बीमारी के लिए आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं, क्योंकि हमारे बीच डॉक्टर रविंद्र सर हमेशा आके आपको प्रोडक्ट इन्फो में प्रोडक्ट की जानकारी देती रहेंगे। एक बार हम सभी लोग मिलकर अपने दर्शकों को जोर से बोलेंगे गुड आई।